गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर चिल्ड्रंस। बच्चों आज मैं आपको क्लास 7 में लेसन 2 पढ़ाऊंगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसमें आप सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इसमें रखा है क्रिएटिंग प्रोग्राम इन क्यू बेसिक, यानी किस तरह से क्यू बेसिक में प्रोग्राम को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रखा है, इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें रखा है कि क्यू बेसिक इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज created by Microsoft in 1991. This was included for free with MS-DOS 5 and later version. You are already aware that this language is required to do programming. QBasic जो एक high level programming language है, ये create करता है, ठीक है। इसको जो है Microsoft द्वारा बनाया गया था 1991 में, ये बार included free with MS-DOS 5 के साथ। उसके बाद ये वर्जन आया और यू आर ऑलरेडी अवेयर दिस लैंग्वेज टू डू प्रोग्रामिंग। उसके बाद दे रखा है दिस स्टेटमेंट्स यूज इन दिस लैंग्वेज आर सिमिलर टू लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। लेट अस नो डिस्कस सम इम्पोर्टेंट terms and few basic statements in brief so that you can understand the advanced programming concept. स्टेटमेंट को यूज किया जाता है इस लैंग्वेज में, वहाँ पर कुछ सिमिलर है जैसी थोड़ी लैंग्वेज होती है मिलती जुलती इंग्लिश लैंग्वेज। लेट अस नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ फेव बेसिक स्टेटमेंट की वहाँ पर समझते हैं कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। उसके बाद ये रखा है Constants are used for unchanged values. They have their own importance in the program. Constants are two of two types. Constants जो होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, किस तरह से, एक होता है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, एक होता है वेरिएबल। और इसमें अंतर भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, ठीक। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स refer to numeric values. You can do calculation with these values. The numeric constants are used for decision making and iteration. Iterations they can be of integer type, full value like 24, 33, 90 or real value, decimal value like 1.12, 46.34 etc. ये रखा है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे फुल वैल्यू जो लाइक है 24, 30, यानी न्यूमेरिकल इस तरह से। ये डेसिमल में भी लाइक करता है, जैसे ये देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डेसिमल में है, ठीक है, डेसिमल में भी यूज करना होता है। उसके बाद पढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक। यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट थे वो दो तरह के थे, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो इसमें पढ़ते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज ए लेटर वर्ड्स कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स विद नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इनक्लोज इन डबल कोटेज लाइक ए क्यूबेसिक वेलकम। ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं दोनों तरफ, जैसे इन्वर्टेड कॉमा लेफ्ट राइट। तो इसमें जो है लेटर्स भी हैं, वर्ड भी है और कॉम्बिनेशन का, और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स नंबर्स, ये सब स्ट्रिंग में यूज होते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है, मैथ के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है, सवाल इसी तरह से प्रोग्राम में भी इस तरह से यूज करने होते हैं कुछ वेरिएबल्स। तो आगे पढ़ते हैं इसमें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में दे रखा है कि वेरिएबल्स होल्ड ए वैल्यू इन मेमोरी एंड ए नेम इज असाइन टू देम। सम अदर वैल्यूज कैन ऑल्सो बी असाइन टू ए वेरिएबल। दे हैव द डेटा टाइप ऑल्सो। द वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएबल्स होल्ड करते हैं वैल्यू इन मेमोरी में एंड नेम इज असाइन करते हैं, कुछ अदर वैल्यू होती हैं जो असाइन होती है। न्यूमेरिक वेरिएबल दे होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज। ए न्यूमेरिक वेरिएबल कैन होल्ड इंटीजर और रियल टाइप ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल 5 मीन्स 5 इज असाइन टू द वेरिएबल एक्स, ठीक है। ये क्या है न्यूमेरिक वैल्यू इसमें 5 इस तरह से। तो ये जो था प्रोग्राम पर एक तरह से आधारित
लेसन था, ठीक। क्यू बेसिक जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था इसको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था क्यू बेसिक को। इसमें प्रोग्राम क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक, और प्रोग्राम के माध्यम से हमें सॉफ्टवेयर तैयार करने होते हैं। तो ये था आज के लिए लेसन बच्चों, आगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।